वेलकम बैक फ्रेंड मैं नन्न श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडल्स स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए सीटेट टेट यानी किसी भी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी सेकेंड सीरीज में लेकर आया हूँ बाल विकास के तीस महत्वपूर्ण प्रश्न इसके पहले मैंने आप लोगों को इसका एक पार्ट दिया हुआ था तो यदि वो फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और आप किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी टी ई की तैयारी कर रहे हैं या सी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं आपको और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सेकेंड पार्ट का आज और आज के पार्ट में पहला क्वेश्चन जो है डिफिनेशन से संबंधित है तो डिफिनेशन के पीछे ज़्यादा मत भगी आप लोग मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करना चाहता हूँ ये क्योंकि डिफिनेशन्स का जो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन बन रहे हैं उन्हीं को आप देख लीजिए और बाकी मेरे द्वारा जो रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा आप सिर्फ से उन्हीं सेलेक्टिव चीज़ों को याद करिए बाकी और सारी चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश करिए पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है शरीर का नहीं यह कथन किसका है यानी जो डिफिनेशन दिया गया है ये महत्वपूर्ण डिफिनेशन है तो ये किसका है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का ऑप्शन बी जलोटा का ऑप्शन सी जेम्स ड्राइवर का और ऑप्शन डी जो है पिल्सबरी का तो फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा यानी ये जो कथन दिया गया है ये जलोटा महोदय का दिया गया है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विकास के अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए मैकडूगल ऑप्शन बी क्लार्क हल ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर और ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी विकास के अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है, हैं जेम्स ड्रेवर महोदय हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक की किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी सीटेट या टी को दिए होंगे तो जरूर आपको इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आ, देखने को मिला होगा तो ऑप्शन ए है इसमें बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाती है ऑप्शन बी शैष्यावस्था से ऑप्शन सी किशोरावस्था से और ऑप्शन डी युवावस्था से तो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा यानी बालक की विकास बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शैष्यावस्था से स्टार्ट हो जाती है फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं निम्न में से फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है यानी फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है तो ऑप्शन ए आत्मीकरण ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक और ऑप्शन सी जो है मूल प्रभ्यात्मक और ऑप्शन डी प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत तो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा बी यानी मनोविश्लेषणात्मक जो है फ्रायर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संबद्धता का नियम संबंधित है ऑप्शन ए लेबिन से ऑप्शन बी थार्नडाइक से ऑप्शन सी पियाजे से और ऑप्शन डी एडलर से तो फाइव का सही आंसर हो जाएगा बी यानी संबद्धता का सिद्धांत जो है या संबद्धता का नियम जो है वो थांडाइक महोदय से संबंधित है सिक्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं निम्न में से व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है ऑप्शन ए परीक्षा परिक्षेपणात्मक ऑप्शन बी प्रश्नावली ऑप्शन सी केस स्टडी और ऑप्शन डी कहानी तो सिक्स का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि व्यक्तित्व मूल्यांकन की, की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो केस स्टडी है सेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक कारक माने जाते हैं तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विशक्ति सिद्धांत ऑप्शन बी एक शक्ति सिद्धांत ऑप्शन सी विविध शक्ति सिद्धांत और ऑप्शन डी बहुशक्ति सिद्धांत तो सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा यानी कि विविध शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक कारक माने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीखने की सरलतम विध मानी जाती है ऑप्शन ए अनुकरण ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि ऑप्शन सी अनुबंधन और ऑप्शन डी व्याख्यान तो एट का सही आंसर हो जाएगा ए यानी सीखने की सरलतम विधि जो मानी जाती है वो अनुकरण मानी जाती है नाइन क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रष्टन के अनुसार बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी सेवन ऑप्शन सी नाइन और ऑप्शन डी एलेवन तो नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी थ्रस्टन के अनुसार बौद्धिक कार्यों को नौ भागों में जो है बांटा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेन नंबर पेस्टोलॉजी के द्वारा विद्यालयों में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है ऑप्शन ए जन्म से पांच वर्ष ऑप्शन बी तीन से तेरह वर्ष ऑप्शन सी छः से चौदह वर्ष और ऑप्शन डी सात से ग्यारह वर्ष तो टेन का जो सही आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा यानी पेस्टोलॉजी के द्वारा विद्यालयों में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी तो तीन से तेरह वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी ये पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग है और देखिए सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं आप चाहे वो सी टेट की परीक्षा दे रहे हो या यू की या किसी भी टेट की ठीक है तो आप सारे क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़िए और अगर आपको ये लगे कि नोट्स बनाना कंपलसरी है तो नोट्स भी आप बना सकते हैं और जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है तो अगर लग रहा है आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए अलेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण निम्न में से किसके लिए जा किसके लिए किया जाता है तो ये जो बुद्धि परीक्षण है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है जो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के लिए ऑप्शन बी चौदह वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ऑप्शन सी पढ़े लिखे लोगों के लिए और ऑप्शन डी महिलाओं के लिए तो अलेवन का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चन uh, एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो होती हैं ट्वेल्व का सही आंसर हो जाएगा सी यानी चार जो है इन्होंने अवस्थाएँ जीन पियाजे महोदय ने बताई हुई थी थर्टीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्रिशमर के द्वारा व्यक्तित्व बेक्ति, को यानी पर्सनैलिटी को कितने वर्गों में बांटा गया है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन ए चार ऑप्शन बी पाँच ऑप्शन सी छः और ऑप्शन डी सात तो थर्टीन का सही आंसर हो जाएगा ए यानी क्रिसमर के द्वारा व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा गया है फोर्टीन क्वेश्चन नंबर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टी यानी थिएमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट जो होता है परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये यूपीटेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो फोर्टीन का सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प को पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए लुज ऑप्शन बी व्यक्तित्व ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी उपलब्धि फोर्टीन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी टेट जो होता है टी ए टी जो होता है वो व्यक्तित्व का मापन करता है और टेट टी ए टी को जो बनाए हुए थे इस परीक्षण को वो मुरे एवं मार्गन महोदय ने बनाया हुआ था नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फाइव में बनाया हुआ था और इसमें कार्ड जो होते हैं वो थर्टी वन कार्ड होते हैं तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए इस चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं तो मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन किस किस चीज़ों के द्वारा किया जाता है या किस चीज़ों के लिए किया जाता है तो ऑप्शन ए मौखिक परीक्षा द्वारा ऑप्शन बी साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा ऑप्शन सी छात्रों के गुण के स्पर्श द्वारा और ऑप्शन डी लिखित परीक्षा द्वारा तो फिफ्टीन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी कि मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा किया जाता है सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं समेकित शिक्षा का अभिप्राय है सभी बच्चों के लिए अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी समेकित जो शिक्षा होती है वो बच्चों की किस प्रकार के लिए होती है नियमित स्कूल के लिए विशेष स्कूल के लिए ऑप्शन सी एकीकृत स्कूल के लिए और ऑप्शन डी मुक्त विद्यालय के लिए देखिए यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा मिस है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा बसरते प्रोनाउंसिएशन सही से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नियमित स्कूल है लेकिन यहाँ स्कूल होना चाहिए विशेष स्कूल एकीकृत स्कूल और मुक्त विद्यालय विद्यालय भी गलत लिखा हुआ है तो सिक्सटीन का जो सही आंसर हो जाएगा ए यानी समेकित शिक्षा का अभिप्राय जो है सभी बच्चों के लिए नियमित स्कूल का होना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्याजे के अनुसार संचालन पूर्व अंतराल है संचालन के पूर्व जो अंतराल होता है ऑप्शन ए दो से पाँच वर्ष ऑप्शन बी तीन से सात वर्ष ऑप्शन सी दो से चार वर्ष और ऑप्शन डी तीन से छः वर्ष तो सेवनटीन का सही आंसर हो जाएगा डी यानी प्याजे के अनुसार संचालन पूर्व अंतराल जो है तीन से छः वर्ष हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्रवणहीनता का स्तर नहीं है श्रवणहीनता यानी सुनने की क्षमता में कमी होना तो ऑप्शन ए बॉर्डर लाइन ऑप्शन सी माइल्ड ऑप्शन सी मॉडरेट और ऑप्शन डी सीवियर तो एटीन का सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि सर्वणहीनता का स्तर जो है बॉर्डर लाइन नहीं है यानी कि एकदम बॉर्डर पे हो कि ना उसे मतलब कम सुनाई पड़ता हो एकदम मतलब बॉर्डर इसी किसी चीज़ पे ना कम हो ना ज़्यादा हो एक जो लेवल होना चाहिए उस लेवल पे हो तो वो सरणहीनता के स्तर के अंतर्गत नहीं आता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा नाइनटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श ज्ञान को प्रोन्नत करता है ऑप्शन ए पिकस कार्ड ऑप्शन बी टच एंड टेल ऑप्शन सी मिसिंग पार्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो नाइनटीन का सही आंसर हो जाएगा बी टच एंड टेल यानी कि टच एंड टेल द्वारा स्पर्श ज्ञान को प्रोन्नत करता है ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर देखते हैं डिसग्राकिया पद का इस्तेमाल होता है देखिए डिस्ग्राफिया होना चाहिए यहाँ पर ये भी मिस स्पेल्ट है तो डिस्ग्राफिया होना चाहिए डिस्ग्राकिया के स्थान पे तो डिस्ग्राफिया पद का इस्तेमाल होता है ऑप्शन ए मौखिक अक्षमता के लिए ऑप्शन बी लेखन अक्षमता के लिए ऑप्शन सी वाचन अक्षमता के लिए और ऑप्शन डी देखने की अक्षमता के लिए तो ट्वेंटी का सही आंसर हो जाएगा बी यानी डिस्ग्राफिया जो है लेखन अक्षमता के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे भी क्वेश्चन एक आता है कम्पलसरी है तो मैं अभी आप लोगों को इसका एक पार्ट नहीं दे पाया हूँ साइकोलॉजी के जो है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं जिससे हर हालत में एक नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ एक एक टॉपिक बनाकर जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एक ये बीमारी से संबंधित पूछा जाता है डिस्ग्राफिया डिसमोराफिया इस प्रकार के आते हैं और एक आई क्यू लेवल से आता है इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी मैं आ, दो से तीन पार्ट में आपका पूरा साइकोलॉजी जो है वो कवर करा दूंगा बहरहाल अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चा करके कितने प्रतिशत सीखता है यानी बच्चा जो है कोई काम करके कितने प्रतिशत तक सीख लेता है ऑप्शन ए थर्टी थ्री परसेंट ऑप्शन बी थर्टी सेवन ऑप्शन सी थर्टी नाइन परसेंट और ऑप्शन डी थर्टी फाइव तो ट्वेंटी वन का सही आंसर हो जाएगा बी यानी जो है बच्चा करके 37 थर्टी सेवन प्रतिशत सीखता है ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर देखते हैं यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं ऑप्शन ए ऑप्शन ए सामान्यकरण यानी ये सामान्यकरण ऑप्शन बी समझदारी ऑप्शन सी अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो ट्वेंटी टू का जो सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा यानी स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग यानी जो हम सीखे हुए हैं सेम उसी परिस्थिति में उसका प्रयोग ना करके ना कर करके विभिन्न यानी अलग अलग परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना ये जो है स्थानांतरण को प्रभावित करता है और अगर सेम परिस्थिति में ही हम अपने ज्ञान सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं तो एक तरीके से वो प्रभावित ना कर करके उसको एक तरीके से और सहयोग प्रदान करेगा तो वाला ट्वेंटी टू का सही आंसर हो जाएगा सी ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर देखते हैं समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है ऑप्शन ए स्मृति इस स्तर से ऑप्शन बी अवबोध स्तर से ऑप्शन सी चिंतन स्तर से और ऑप्शन डी अमुकर से तो ट्वेंटी थ्री का सही आंसर हो जाएगा सी यानी समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध जो है चिंतन स्तर से है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर देखते हैं यदि कोई छात्र अवांछनीय कार्य करता है और आप उसे कठोर दंड दे, दे देते हैं तो इससे होगा तो इससे क्या चीज़ होगा यदि कोई छात्र जो है अवांछनीय यानी कि जो करने योग्य कार्य नहीं अगर उसे कर रहा है तो आप उसे कठोर दंड दंड दे, दे, दे देते हैं तो इससे क्या होगा ऑप्शन ए उसके माता पिता प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे ऑप्शन बी छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल जा सकते हैं ऑप्शन सी छात्र उग्र हो सकता है और ऑप्शन डी स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है तो ट्वेंटी फोर का सही आंसर हो जाएगा सी यानी छात्र जो है उग्र हो सकता है यदि हम उसे जो है कठोर दंड देते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पैडागुगी टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं और आपके सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन की, की तैयारी का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आपका अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करना इसलिए जो भी मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें पैडागोगी टाइप क्वेश्चन का मिश्रण होता है यानी कि जिससे ये रहेगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो सकती है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर देखते हैं कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने से होता है यानी अगर हम कक्षा कक्ष में प्रश्न अधिक से अधिक पूछते हैं तो क्या होता है विनय वस्तु जो है स्पष्ट होती है यहाँ विनय है यहाँ विषय होना चाहिए यानी विषय वस्तु स्पष्ट होती है ऑप्शन बी समय नष्ट होता है ऑप्शन सी निष्क्रियता बढ़ती है और ऑप्शन डी अनुशासन भंग होता है तो ट्वेंटी फाइव का सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि कक्षा कक्ष कच्छ में अगर हम अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं तो जो हमारा विषय वस्तु होता है वो स्पष्ट होती है यानी कि हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं या क्या चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं वाद विवाद के लिए एक अध्यापक को कार्य करना होता है तो वाद विवाद के लिए एक अध्यापक को क्या क्या कार्य करने होते हैं ऑप्शन ए प्रतिनिधि की तरह कार्य करना होता है ऑप्शन बी अध्यापक की तरह ऑप्शन सी मुख्य अध्यापक की तरह और ऑप्शन डी संयोजक की तरह तो ट्वेंटी सिक्स का सही आंसर हो जाएगा डी यानी वाद विवाद के लिए एक अध्यापक को संयोजक की तरह कार्य करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई छात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए यानी कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है जब उसे दिया जाए क्या चीज दिया जाए नगढ़ पुनर्बलन दिया जाए यानी किसी प्रकार का उसे रेनफोर्समेंट ना दिया जाए पुनर्बलन ना दिया जाए ऑप्शन बी ऋणात्मक पुनर्बलन दिया जाए ऑप्शन सी धनात्मक पुनर्बलन दिया जाए और ऑप्शन डी जो है सक्रियात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो ट्वेंटी सेवन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यानी सक्रियात्मक पुनर्बलन दिया जाए यानी कोई भी छात्र जो है वो और अच्छे तरीके से सीख सकता है किन परिस्थितियों में तो देखिए नगर अगर कोई भी पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा उन्हें यानी कि बहुत अच्छा या कोई शाबाशी या कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा तो वो फिर नहीं सीख सकता अच्छे तरीके से ऋणात्मक यानी उसके मारा जाए पीटा जाए या अपशब्द कहे जाए तब भी वो नहीं सीख सकता है धनात्मक पुनर्बलन तो देना ही देना चाहिए लेकिन सक्रियात्मक यानी कि तुरंत जैसे वो कोई अच्छा कार्य किया और तुरंत उसी समय पुनर्बलन अगर दिया जाए तो जो रहेगा छात्र अच्छी तरह सीख सकता है देखिए यहाँ पर सी और डी क्लोज आंसर हैं लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सही जो लगाना है वो आपका डी हो जाएगा यानी सक्रियात्मक पुनर्बलन देना चाहिए यानी तुरंत जैसे ही वो अच्छा कोई काम किया तुरंत अगर पुनर्बलन दिया जाए तो कोई भी छात्र अच्छी तरीके से सीख सकता है तो ट्वेंटी सेवन का सही आंसर हो जाएगा डी ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अधिगम का अर्थ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ऑप्शन ए प्रक्रिया ऑप्शन बी उत्पाद ऑप्शन सी प्रक्रिया एवं उत्पाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो ट्वेंटी एट का सही आंसर हो जाएगा सी यानी अधिगम का अर्थ होता है प्रक्रिया एवं उत्पाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थी को अनिवार्य कथ्य से प्रयोग करना चाहिए यानी जो फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है उसको अनिवार्य कथ्य से प्रयोग करना चाहिए ऑप्शन ए संकेत भाषा से यानी किस कथन से प्रयोग करना चाहिए ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन से ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो ट्वेंटी नाइन का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि संकेत भाषा और अमूर्त चिंतन दोनों प्रकार से प्रयोग करना चाहिए थर्टी क्वेश्चन नंबर देखते हैं और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट विध आधारित है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ऑप्शन बी वातावरण से परिचय पर ऑप्शन सी सामाजिक सिद्धांत पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो थर्टी का सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रोजेक्ट विद जो है वो तीनों सिद्धांतों पर आधारित है मनोवैज्ञानिक वातावरण से परिचय और सामाजिक सिद्धांत पे यानी कि उपयोग सभी इसका आंसर सही हो जाएगा तो आज के सीरीज के थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये सेकंड पार्ट था फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप देख सकते हैं और यदि वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट जो इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके ठीक है तो फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि या ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है आप खुद पहले कंटेंट देख लीजिए चैनल का यदि अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों थैंक यू